गोरखपुर क्रिकेट एसोसिएशन अपने नए नए कारनामों के लिए हमेशा खबरों की सुर्खियों में छाया हुआ है। अभी कुछ ही दिन पहले हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज के मैदान पर गोरखपुर क्रिकेट लीग के फाइनल मैच में ब्लैक साइड स्क्रीन के साथ लाल रंग की गेंद का बेमेल प्रयोग हुआ। अब एक नया मामला सामने आया है। सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज का मैदान, जो कि वहाँ के प्रधानाचार्य जेके लाल के द्वारा गोरखपुर क्रिकेट एसोसिएशन को दिया गया है, लेकिन वहां पर लगातार आतिफ क्रिकेट एकेडमी की टीम प्रैक्टिस करती है, जिसके कोच हैं परवेज हसन खान। यहां पर हम आपको बताते चलें कि यह हितों का टकराव का मामला है, जो राष्ट्रीय स्तर पर बीसीसीआई के सामने भी आ चुका है, जिसमें चेन्नई सुपर किंग के मालिक बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन को हटा भी दिया गया था। इस संबंध में आपको बताते चलें कि इसी क्रिकेट ग्राउंड पर, उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अंतर्गत इसी ग्राउंड पर कई ट्रायल हो रहे हैं, और ये ट्रायल लेने वाले आतिफ क्रिकेट एकेडमी के परवेज हसन चूंकि उस टीम के कोच भी हैं और ट्रायल के मुख्य चयनकर्ता भी हैं, बस यहीं से शुरुआत होती है हितों के टकराव वाली पूरी कहानी की। इसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं। गोरखपुर क्रिकेट एसोसिएशन लगातार अपनी मनमानी कर रहा है। चूंकि गोरखपुर सीएम सिटी भी है, इसके बावजूद भी जीसीए पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता दिखाई दे रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ऑल इंडिया क्रिकेट संघर्ष समिति के संयोजक सुनील राणा ने पूरी बात बताई। केवल यूपीसीए की गाइडलाइन, बीसीसीआई की गाइडलाइन है कि कोई भी कोच ट्रायल नहीं ले सकता है। परवेज हसन खुद आतिफ एकेडमी में कोच हैं, वो ट्रायल कैसे ले रहे हैं? उसके साथ जितने लोग हैं लगभग कहीं कहीं जुड़े हुए हैं, यह एक बहुत बड़ा मामला है। और दूसरी चीज, एक प्राइवेट एकेडमी चल रही है, जो उस पर ट्रायल कैसे हो रहा है? आतिफ एकेडमी जो चलती है वो जीसीए ग्राउंड पे चलती है, वहाँ ट्रायल कैसे हो सकता है? आप टीएन मेमोरियल में कैसे हो सकती है जहाँ वो प्राइवेट एकेडमी है? आप एसपी एकेडमी जो है इंटर कॉलेज बस्ती में हो रहा है, वहाँ कैसे हो सकता है? दूसरी चीज़, प्राइवेट कोचेज कैसे ले सकते हैं? ये हमारे बीसीसीआई और यूपीसीए का गाइडलाइन है। पहले हमने जो है शुरू किया है, मैं गया था लेकिन परमिशन हमें 2 तारीख को बुलाया गया, मिलेगा
और हम 4 तारीख से फिर धरना देंगे। 6 तारीख को गोरखपुर में हम रैली निकालेंगे। इसके बाद हम कानपुर की तरफ बढ़ेंगे, कमला नगर में जो UPCA का दफ्तर है उस पर धरना देंगे, क्योंकि UPCA यदि एक्शन नहीं लेती है, हमारी बातों को दरकिनार कर रही है, तो कहीं कहीं UPCA भी भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसलिए मैं वहां से लेकर के मैं BCCI के बानखेड़े स्टेडियम तक विनोद राय जी जो CEO के हैं, प्रमुख हैं, मैं उनके तक ले जाऊंगा। ये GN तिवारी 37 साल से कैसे बैठे हैं, जबकि 2 कार्यकाल के बाद हट जाना चाहिए। शफीक सिद्दीकी कैसे बैठे हुए हैं, पूरा गोरखपुर क्रिकेट संघ 37 सालों से बैठा हुआ है, ये कैसे बैठा रह सकता है। जब लोढ़ा कमेटी ने लागू कर दिया तो इन्हें तो भंग हो जाना चाहिए अपने आप। इनको बचने का कोई राइट अधिकार है ही नहीं, काम करने का कोई अधिकार नहीं है। ये बताइए, अभी अभी एक घटना आपको बता दूं, एक मैच हो रहा था गोरखपुर के GCA के तत्वावधान में, और वह मैच एक लड़के को बैन करके क्वार्टर फाइनल रोक दिया गया, वह टीम लक्ष्य है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर किस बेस पे उस लड़के को बैन किया गया। यदि बैन किया गया तो कोई चीज़ आप लिखित में दीजिए तो, लेकिन आप कोई लिखित में नहीं देते हैं। केवल आप अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाना था आतिफ को, वो आपने काम कर दिया। तो मैं ये सभी मुद्दों को लेकर के, जितने मुद्दे हैं, हम लेकर के पूरी तरह से उतरने जा रहा हूँ।